सब्सक्राइब करें टेक ब्रोस चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्रोस। आज के इस वीडियो में हम Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max इन मोबाइल्स में फॉर्मेट और हार्ड रीसेट कैसे करते हैं और कैसे इन्हें फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करके इनका पैटर्न लॉक रिमूव करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी मेरे Redmi Note 9 Pro Max इस मोबाइल के अंदर पैटर्न लॉक इंटर किया हूँ और अभी देखिए दोस्तों, मुझे पैटर्न लॉक याद नहीं है कि मैंने इसके अंदर क्या पैटर्न लॉक इंटर किया था। तो अभी दोस्तों मुझे इसका ये पैटर्न लॉक रिमूव करना है। दोस्तों इस पैटर्न लॉक को हम फॉर्मेट और हार्ड रीसेट के जरिए रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसे फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपको फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करने के बाद में आपकी सेम ओल्ड ईमेल आईडी मी अकाउंट एंटर करना होता है जो आपने इसे फॉर्मेट करने से पहले एंटर किया है। और दोस्तों फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करने के बाद में इसके अंदर का सारा डेटा जैसे कि आपके फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, ये सभी चीज़ें डिलीट हो जाते हैं। और दोस्तों फॉर्मेट और हार्ड रीसेट करने से पहले आपके मोबाइल को आप एटलीस्ट 20% चार्ज कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। इसके पैटर्न लॉक को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, ये मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है। अभी आपको इसका वॉल्यूम का अप बटन और ये पावर बटन, ये दोनों बटन एक साथ दबाने हैं। देखिए दोस्तों, आपको Redmi लिखा हुआ आता है, आप दोनों बटन छोड़ दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, इसके फॉर्मेट के कमांड्स लोड हो चुके हैं। अभी दोस्तों आप वॉल्यूम बटन से नीचे और ऊपर आइए और यहाँ पे देखिए आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वाइप डेटा, यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए इसका पावर बटन प्रेस करके इसे सेलेक्ट कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन वाइप ऑल डेटा, यहाँ पे आप पावर बटन प्रेस कर दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, अभी आपको ये कन्फर्म के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का डाउन बटन दबा के नीचे आइए और यहाँ पे इसे पावर बटन दबा के कन्फर्म कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अभी आपका मोबाइल वाइप हो चुका है। अभी देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे डेटा वाइप सक्सेसफुली बता रहा है। अभी आप यहाँ पे पावर बटन प्रेस कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आपको ये जो फर्स्ट ऑप्शन है रिबूट, अभी आप यहाँ पे इसे पावर बटन दबा के इसे रिबूट कीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे फिर से फर्स्ट ऑप्शन पे रिबूट टू सिस्टम नाउ, यहाँ पे इसे पावर बटन दबा के इसे अप्लाई करना है। अभी देखिए दोस्तों, ये रिबूट कंप्लीट होने के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम लेता है, जब तक कि आप आपके मोबाइल को इसी तरीके से रख दीजिए और किसी भी किस्म का कोई भी बटन मत दबाइए। अभी देखिए दोस्तों, ये हमारा मोबाइल फिर से रिबूट हो चुका है। अभी हम इसे फटाफट सेटअप कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको ये फिर से लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है। देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे आपकी ओल्ड ईमेल आईडी या फिर पैटर्न लॉक, दोनों में से कोई एक चीज़ एंटर करनी होती है। तो दोस्तों देखिए, मुझे तो अभी मेरा पैटर्न लॉक याद नहीं है, तो मैं अभी यहाँ पे मेरी ओल्ड जीमेल आईडी एंटर करूँगा। देखिए दोस्तों, अभी इसने मेरी ओल्ड ईमेल आईडी को एक्सेप्ट कर लिया है और अभी ये प्रोसीड हो रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पे मेरा मी अकाउंट साइन इन करने के लिए बता रहा है। देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे फिर से आपका पैटर्न लॉक सेट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं मेरा फिंगरप्रिंट और पैटर्न लॉक सेट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा Redmi Note 9 Pro Max ये मोबाइल हमने कम्प्लीटली फॉर्मेट और हार्ड रीसेट कर दिया है और इसकी सेटिंग उसी तरीके से रीसेट हो चुकी है जिस तरीके से आपको कंपनी से मिलती है। दोस्तों आप इस मेथड का इस्तेमाल करके Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro इन मोबाइल्स को आसानी से फॉर्मेट और हार्ड रीसेट कर सकते हैं और इसका पैटर्न लॉक रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।